हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें 7 औद्योगिक क्षेत्र में से 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं, ये लिखा है। 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं और देश के प्रधानमंत्री जब आपके सामने भाषण देने आते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं करते। क्या वो बता सकते हैं कि इन रोजगारों का घटना संयोग है या प्रयोग है? बता सकते हैं कि 35 सालों में जो बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा हुआ है, ये क्या संयोग था या प्रयोग था उनका? वे कहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। कांग्रेस सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापस डाला है उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। और बयान सुनिए, यहां यूपी के कितने लोग हैं? ये बयान सुनिए, बहुत मजेदार बयान है। गृह मंत्री जी आए प्रचार करने, गृह मंत्री जी ने क्या कहा? कहा कि हम दिल्ली को यूपी की तरह बना देंगे। अब मैं यूपी की प्रभारी हूं कांग्रेस पार्टी की, थोड़ा बता दूं कि उन्होंने यूपी का क्या बनाया है। देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था, आज क्या हालात है वहां की? भाजपा के सरकार ने किस तरह से यूपी की जनता को त्रस्त किया है मैं बताती हूं। यूपी की जो बेरोजगारी की दर है वो देश में सबसे ऊंची है। हर दो मिनट एक महिला के साथ बलात्कार होता है, हर 90 मिनट एक बच्चे के खिलाफ अपराध होता है, हर रोज 30 दलितों के साथ अत्याचार होता है। हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा बेरोजगारी सबसे ऊपर है और शिक्षा सबसे नीचे, स्वास्थ्य सबसे नीचे। तकरीबन 70,000 युवा शिक्षक भर्ती में के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हालात हैं यूपी के, जहां इनकी सरकार 5 सालों से चल रही है और ये आपके सामने आकर ये हिम्मत करते हैं कि आपको कहते हैं कि दिल्ली को भी यूपी की तरह बनाना चाहते हैं। यूपी सबसे सक्षम प्रदेश था और आज इसके ये हालात बना दिए इन्होंने। अपराध ही अपराध है, अराजकता है और विकास का कोई नामो निशान नहीं है। ये हुई भाजपा की बात, अब सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी की यह स्थिति है कि इमारत बनाई शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी इमारत बनाई, ऊपर से लीपा पोती करके कह रहे हैं कि यह इमारत हमने बनाई। दूसरों की मेहनत पर अपनी पुताई करना एक बात होती है, मेहनत से निष्ठा से एक इमारत को खड़ा करना, नए नए प्रोजेक्ट बनवाना, एक शहर को सक्षम बनाना, उसमें विकास लाना एक बहुत अलग बात होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो बेगा लाइक मारी, कमेंट मारी, शेयर मारी, हागो आलो टीवी कन्नडवन्न सब्सक्राइब मारी।